नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स लाइफ ब्लॉग्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही रोचक किताब जिसका नाम है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस, जिसके लेखक है निकोलस बाथमैन। इस किताब में बताया गया है कि आप 90 सेकेंड में कैसे किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं और उसे अपनी तरफ आकर्षक बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इस किताब में दी गई 7 प्रमुख टेक्निक के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनसे आप अपने रिश्तों को मजबूत बना पाएंगे, आपकी सफलता की ऊंचाई को छू सकते हैं। वीडियो के अंत में सभी भी महत्वपूर्ण बातों को सारांश में प्रस्तुत करेंगे ताकि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को आसानी से याद रख सकें। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपकी पहली टेक्निक के बारे में जानते हैं, दूसरों के साथ जुड़ाव। मानव समाज हमेशा से ही एक साथ मिलकर रहने में विश्वास करता है। प्रारंभिक मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समूह में शिकार करते, भोजन की तलाश करते थे। इसी तरह आज का समाज समुदाय में रहकर एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरे के साथ जुड़ने और अच्छे संबंध बनाए रखने से यह प्रवृत्ति न केवल हमारे व्यक्ति को जीवन में खुशहाल बनाता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बेहद लाभदायक है। लेखक का मानना है कि जो लोग अच्छे संबंध बनाते हैं और अपने सामाजिक जीवन में समृद्ध रखते हैं उनकी उम्र लंबी होती है। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जिन लोगों का संबंध दूसरे से अच्छे नहीं होते उन्हें किसी बीमारी से मरने की संभावना उन लोगों से 3 गुना अधिक होती है जो एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। लेकिन दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि अच्छे संबंध बनाना हमेशा आसान नहीं होता है, विशेष रूप से जब आपको किसी नए अनजान लोगों से मिलना हो। आपके सामने वाले व्यक्ति का कोई समान रुचि ना हो तो यह और भी कठिन हो सकता है। लेकिन जैसा कि निकोलस बाथमैन ने बताया है, आप किसी भी व्यक्ति को 90 सेकेंड में प्रभावित करना संभव है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे आप इन सीमित समय में दूसरों पर अपना सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। टेक्निक नंबर 2, अपनी शारीरिक हाव भाव पर ध्यान दें। दोस्तों, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो शुरुआती क्षणों में वह व्यक्ति आपके बारे में अपनी धारणा बना लेता है, इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोगों की नज़र सबसे पहले आपके शरीर, आपकी आँख और आपके चेहरे के हाव भाव पे जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में ओपननेस यानी कि खुलेपन की भावना को बनाए रखना चाहिए। जब आप किसी से मिले, अपने शरीर को सीधे
सामने वाले व्यक्ति की दिशा में रखें। इससे पता यह चलता है कि आप उनकी बातों में रुचि रखते हैं। उनकी आंखों में सीधी देखें, जिससे आपके बीच का भरोसा बन सके। इसके बाद हल्का सा मुस्कुराएं, ताकि आपकी सकारात्मक सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। इसके बाद आप उस व्यक्ति को अपना नाम बताएं और उनसे उनका नाम पूछें। नाम पूछने के बाद उसका नाम दोहराएं, ताकि वह आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ सके। इस दौरान हल्का सा उस व्यक्ति की तरफ झुकाव करें, ताकि उसे लगे कि आप उसकी बातों में सचमुच रुचि ले रहे हैं। टेक्निक नंबर 3, सही रवैया अपनाएं। किसी के ऊपर अच्छा प्रभाव डालने के लिए एक सही रवैये अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सकारात्मक और उपयोगी रवैया अपनाते हैं, तो आपका शरीर और हाव भाव भी उसी के अनुसार ढल जाते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक बेकार रवैया आपके हाव भाव में नकारात्मकता ला सकता है, जो लोगों को पसंद नहीं आता। जब आप यह तय कर लेते हैं कि अपनी बातचीत से सकारात्मक परिणाम चाहते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुराहट खुद ब खुद आकर्षक बन जाती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा एक सकारात्मक और उपयोगी रवैया अपनाएं। टेक्निक नंबर 4, एक प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज को अपनाएं। एक प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि ओपन बॉडी लैंग्वेज को अपनाना। यह आपके भावनाओं को प्रकट करती है और सामने वाले व्यक्ति को यह संकेत देती है कि आप उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। जब दो लोग ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो उनके बीच एक गहरा संबंध बनता है। इसके विपरीत क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज आपकी भावनाओं को छुपाती है और सामने वाले व्यक्ति को असहज महसूस कराती है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। टेक्निक नंबर 5, तालमेल बिठाने की कला। तालमेल बैठाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो हमारे जीवन का हिस्सा है। हम उन लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाते हैं, जिनसे हमारी आदतें रुचियां मिलती जुलती हैं। जब आप किसी से बातचीत करते हैं, तो उनके चेहरे का हाव भाव, बोलने की तरीके और शारीरिक नकल से उन्हें आकर्षित करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। इस कला का प्रयोग खास तौर पर सेल्स पीपल के लिए बहुत उपयोगी है। जब वे अपने ग्राहकों के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो वे उन्हें अपने उत्पादों के लिए प्रभावित कर सकते हैं। तालमेल बनाने की यह कला आपको भी अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में
सफलता दिला दे सकती है। टेक्निक नंबर 6, सही सवाल को पूछना और ध्यान पूर्वक सुनना। दोस्तों, किसी से भी बातचीत करने का और सही दिशा में ले जाने के लिए सही सवाल को पूछना और ध्यान पूर्वक सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही सवाल पूछने का मतलब है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना, जिनका जवाब हाँ या नहीं में नहीं विस्तृत रूप में दिया जा सके। जब आप किसी से बातचीत शुरू करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दें, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और जब आप उनकी बात से सहमत हो तो सिर हिलाकर सहमति व्यक्त करें। टेक्निक नंबर 7, संवेदी प्राथमिकताओं का पता लगाना। हर व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया में देखने, सुनने या महसूस करने के तरीके से समझता है, इसलिए जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो यह समझने की कोशिश करें कि वह व्यक्ति विजुअली बात कर रहा है, ऑडिटोरी बात कर रहा है या काइनेस्थेटिक में बात कर रहा है, किस प्रकार में बात कर रहा है। यह जानने के बाद अपनी बातचीत को उस व्यक्ति के अनुसार आप ढाल सकते हैं, जिससे वह व्यक्ति आपसे और भी अधिक प्रभावित होगा। सारांश, तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने निकोलस बाथमैन की किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस की 7 महत्वपूर्ण टेक्निक के बारे में जाना, जिसका प्रयोग कर आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकते हैं। 1, लोगों के साथ जुड़ाव और हमारे स्वास्थ्य और सफलता के लिए लाभदायक। 2, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पहली छाप बनाती है। 3, एक सकारात्मक रवैया अपनाएं। 4, ओपन बॉडी लैंग्वेज को अपनाएं। 5, तालमेल बिठाने का कला को अभ्यास करें। 6, सही सवाल पूछें और ध्यानपूर्वक सुने। 7, दूसरे व्यक्ति की संवेदी प्राथमिकताओं का पता लगाएं। मुझे उम्मीद है और आशा है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल स्टूडेंट्स लाइव ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।